हेलो बीसीए फर्स्ट ईयर, आप सबका इस क्लास में स्वागत है। एंड वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा विच इज स्विचिंग सर्किट्स। सो इस लेक्चर में हम ये करेंगे कि इसके कुछ बेसिक डेफिनेशंस, नोटेशंस और जो डायग्राम हमको बनाने हैं उसके मेन कंपोनेंट्स हम यहाँ देखेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक बूलियन अलजेब्रा जो होता है बी बी प्लस बी प्लस बी प्लस डॉट डैश, ये किस तरीके से एक स्विचिंग सर्किट से करेस्पॉन्ड करता है। अब स्विचिंग सर्किट आप घर में इस्तेमाल करते होंगे कि हमारे पास अलग अलग लाइट स्विच रहते हैं, किसी स्विच को दबाने से लाइट शुरू होती है, किसी स्विच को दबाने से पंखे शुरू होते हैं। कई बार आपने ये भी गौर किया होगा कि जब हम ऐसी सीढ़ियों पर जाते हैं जहां पर छत पे जाना है हमको, तो आपके दो स्विच रहते हैं। एक यदि आप स्विच ऑन करते हो तो सीढ़ी के ऊपर की लाइट जल जाती है, और फिर ऊपर जाके जब उस स्विच को आप फिर से ऑन करेंगे तो वो लाइट ऊपर से ही आप बुझा सकते हैं। तो ये जो स्विचिंग सर्किट्स होते हैं, इनको आप बूलियन अलजेब्रा के थ्रू किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं या किस प्रकार से उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो हमारा इस चैप्टर का एजेंडा रहेगा। तो आज हम जो देखने वाले हैं बेसिक डेफिनेशंस देखने वाले हैं। तो आप एक पेन और पेपर साथ में लेके बैठिए और जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार रिपीट करते जाइए। तो जो किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में जो करंट को रेगुलेट करने के लिए जो डिवाइस हम लगाते हैं वो कहलाता है स्विच। पर ये मैकेनिकल डेफिनेशन हुई इसकी, ये एक मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन हुआ। पर हम जो करने चाह रहे हैं वो ये करना चाह रहे हैं कि हम करंट के ऑन या ऑफ होने को, यानी कि ऑन या ऑफ होने को, जैसे ऑन पर वन हम दिखा रहे हैं, यदि ये ऑन है तो वन और ऑफ है तो हम इसको क्या लिख रहे हैं, जीरो। तो इसको ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में यदि हम दिखाएं तो ये किसके फॉर्म में चेंज हो जाएगा, एक ट्रुथ टेबल के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी अब जो ट्रू और फॉल्स है उसके बदले हम किसका यूज करेंगे, जीरो और वन का यूज करेंगे। अब इसकी सहायता से हम देखेंगे कि कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सिंपल सर्किट्स में हम ब्रेक कर सकते हैं और कैसे हम उनको सीरीज या पैरेलल में जोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन है वो कहलाती है, सबसे पहले हम स्विच की डेफिनेशन देखते हैं। अ स्विच इज अ डिवाइस डिवाइस विच इज used to control the current in a circuit, okay? A switch can be in two positions. There can be two positions. Positions of a switch. Okay, first position is known as closed. इसको हम बोलते हैं closed, या इसको हम सर्किट की भाषा में बोलेंगे ऑन। तो closed जो स्विच रहेगा, स्विच इज क्लोज्ड देन व्हेन करंट फ्लोज इन द सर्किट। और इसको मैं यदि डायग्राम से दिखाना चाहूं तो मैं ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर लेता हूं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ब्लैक कलर से हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये एक वायर हो गया, ये स्विच हो गया आपका। इस तरीके से हम इसको दिखाते हैं, ठीक है? ये इसके एंड पॉइंट्स हो गए सर्किट के, ओके? इसको हम बोलते हैं वायर, ठीक? जो जो लाइन खींची हुई है इसको हम बोलेंगे वायर। और ये स्विच कैसा है, किस पोजीशन में है, क्लोज्ड या ऑन पोजीशन में बोलेंगे इसको, ऑन। दूसरी जो पोजीशन होती है सर्किट की वो होती है कौन सी, नंबर टू वो होती है ओपन, या इसको हम बोलते हैं ऑफ, ओके? व्हेन करंट डज नॉट फ्लोस इन द सर्किट,
यानी सर्किट में करंट नहीं जा रहा है तब हम क्या कहेंगे, स्विच कैसा है, ओपन स्विच है। तो ये इस तरीके से बनता है, ये स्विच ओपन कहलाएगा इस तरीके से। तो यहां पे जो काले डॉट्स आपको दिख रहे हैं वो हम सर्किट एलिमेंट्स को दिखा सकते हैं कि इस तरीके से स्विच ओपन है और इस तरीके से स्विच क्लोज्ड है, ये कहलाता है ओपन, और इस समय ये कैसा है, ऑफ है। ठीक है। अब यहां पर हम एक और चीज को डिफाइन कर देते हैं कि दो चीजें यहां पे याद रखिए, व्हेन व्हेन स्विच इज ओपन, तब यदि कोई वेरिएबल है उसकी जो वैल्यू होगी, उसकी जो वैल्यू होगी x इज इक्वल्स टू जीरो होगा, स्विच इज ओपन यानी कैसा है, ऑफ पोजिशन में। एंड व्हेन स्विच इज क्लोज्ड उस समय x कैसा होगा, 1, और ये कैसा होगा, ऑन पोजिशन पे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अब इनका अपोजिट भी है, इसका अपोजिट भी आप निकाल सकते हैं, इसका जो कन्वर्स होता है, कन्वर्स यानी कि x डैश यदि आप देखते हैं तो x डैश कैसे बिहेव करेगा, यदि x ओपन है ऑफ है तो x डैश कैसा होगा, क्लोज्ड, x डैश होगा क्लोज्ड ऑन, और यदि x क्लोज्ड है ऑन है तो x डैश कैसा होगा, ओपन होगा यानी ऑफ, और वैल्यूज भी वैसी होंगी, यानी इसकी वैल्यू यदि 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू यदि 1 है तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये काम करता है, क्लियर है। तो यहां पर आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि इन्हीं को जोड़ के हमको क्या बनाना है, बेसिक सर्किट डिजाइन हमको बनाना है। तो अब स्विचेस को हम दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है, हाउ टू पुट स्विचेस इन अ सर्किट। स्विच को सर्किट में किस तरीके से हम लगा सकते हैं, तो हम दो तरीके से लगा सकते हैं। सबसे पहला होता है इन पैरेलल, ठीक है, पैरेलल यदि स्विच हम कंसीडर करें तो पैरेलल स्विचेस को हम इस तरीके से दिखाते हैं किसी सर्किट में, ये इस तरीके से दो तार हमारे हैं, दो वायर्स हैं, एक हम राउंड बनाएंगे, दूसरा हम राउंड बनाएंगे, यहां पे एक्स लिख रहे हैं, ये स्विच एक्स है, ये स्विच वाई है, और इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये कहलाता है पैरेलल स्विचेस। और इसको नोट, जब डिनोट हम करते हैं कहीं पे भी एक्सप्रेशन में हमको डिनोट करना है तो ये इसको हम लिखते हैं एक्स प्लस वाई, स्विच एक्स एंड वाई आर इन पैरेलल। अब इसमें से करंट कैसे बहेगा तो इसको भी देख लीजिए, यदि ओपन और क्लोज का हम डेफिनेशन चेक करते हैं तो किस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं यहां पर। तो ये है आपका x की वैल्यू, ये है आपका y की वैल्यू, और ये x प्लस y की वैल्यू, x प्लस y। तो यदि x 0 हो y 0 हो तो दोनों में ही करंट नहीं बहेगा, यदि x 1 हो y 0 हो तो भी यहां से करंट जा सकता है, यहां से करंट जा सकता है, यहां पर 1 आएगा, जब यहां पर 0 हो यहां पर 1 हो तो भी करंट पास हो जाएगा, दोनों में करंट आ रहा हो तो भी करंट पास हो जाएगा। यानी कि जब पैरेलल में जुड़े रहते हैं, जब स्विचेस पैरेलल में जुड़े रहते हैं, व्हेन स्विचेस आर इन पैरेलल, करंट फ्लोज व्हेनेवर एनी वन और बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड, यानी दोनों में से कोई भी एक भी यदि क्लोज्ड है तो करंट फ्लो होगा। क्लियर है।
अब इसी तरीके से हम देखते हैं कि यदि दूसरा देखें तो ये कहलाता है सीरीज, ये कहलाता है सीरीज स्विचिंग। तो सीरीज स्विचिंग में इसको हम डिनोट करते हैं एक्स डॉट वाई से, और इसको जब हम बनाएंगे किसी सर्किट में तो इस तरीके से बनाएंगे। ये हमने एक राउंड बनाया, ये हमने एक और राउंड बनाया, और तो फिर इस तरीके से आगे छोड़ दिया इसको। ये है एक्स, ये है वाई, उसको डिनोट करेंगे एक्स डॉट वाई से। ओके, तो हम इसको बोलते हैं, कि स्विच एक्स एंड वाई आर इन सीरीज, ओके। अब इसका ट्रुथ टेबल भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से और किस स्थिति में यहां पर करंट आएगा, किस पोजीशन में रखने पर यहां पे करंट फ्लो होगा, तो वो भी हम देख लेते हैं। ओके, तो ये हो गया, ये है एक्स, ये है वाई, ये एक्स डॉट वाई। तो दोनों में करंट नहीं है तो नहीं जाएगा, एक में करंट है तो भी नहीं जाएगा, इसमें करंट है तो भी नहीं जाएगा, पर दोनों में करंट होगा तभी ये वर्क करेगा। सो इन सीरीज करंट फ्लोज ओनली व्हेन बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड। ओके, तो सीरीज और पैरेलल का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब हम आते हैं कि बूलियन अलजेब्रा से इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बूलियन अलजेब्रा में जो रहेगा, हमने तीन चीजें देखी यहां पर कि स्विचेस को हम किसे वेरिएबल से दिखा सकते हैं, स्विच दो पोजीशन में होते हैं, क्लोज हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है। क्लोज यानी कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ओपन यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। हम स्विचेस को दो तरीके से जोड़ सकते हैं, इन पैरेलल और इन सीरीज। अब हम आते हैं कि इसको बूलियन अलजेब्रा से किस तरीके से हम अटैच करेंगे, या करेस्पॉन्डिंग बूलियन अलजेब्रा क्या होता है। तो बूलियन अलजेब्रा यदि आपका बूलियन अलजेब्रा यदि बी जीरो वन है, बी यानी क्या, एक सेट है जिसमें जीरो और वन एक एलिमेंट है इसके, और इसमें अलग अलग ऑपरेशंस हैं, एडिशन है, फिर मल्टीप्लिकेशन है, फिर कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, यहां पर क्या क्या होता है, यहां पर होता है प्लस। ओके, और क्या यहां पर प्लस होता है वो तो मैंने ऊपर लिख दिया, प्लस होता है और डॉट होता है और कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो अब यहां पर ऑन एंड ऑफ, ठीक, जीरो और वन, तो इसको हम कैसे लेंगे, जीरो एंड वन। तो यहां पे सर्किट में ये होगा पैरेलल स्विच। ओके, ये होगा सीरीज स्विच, ये होगा कॉम्प्लीमेंट्री स्विच या कन्वर्स स्विच भी बोलते हैं इसको, कन्वर्स स्विच। ओके, ये होगा ऑफ और ये होगा ऑन। ये जो प्लस है, जैसा मैंने बताया था कि ये किस तरीके से काम करता है, यूनियन की तरह काम करता है, ये काम करता है इंटरसेक्शन की तरह। वैसे ही पैरेलल और स्विचिंग सर्किट्स में सीरीज और पैरेलल भी उस तरीके से काम करते हैं। ओके, तो आपको इन्हीं का यूज करते हुए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा। अब हमको क्या करना है, हमको दो चीजें करनी है। हमको एक्सप्रेशन दिया होगा उसका सर्किट बनाना है, या फिर हमको सर्किट दिया होगा उसका एक्सप्रेशन ढूंढ के निकालना है। साथ ही इसमें एक चीज और जोड़ता है कि हमको इक्विवेलेंट सर्किट निकालने के लिए बोलता है, यानी कि बूलियन अलजेब्रा के जितने पोस्टुलेट हमने पढ़े हैं उनका यूज करते हुए किसी स्विचिंग सर्किट के एक्सप्रेशन को या तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना रहता है या तो सिंप्लीफाई करना रहता है। ओके, इन्हें कॉम्प्लेक्स स्विचिंग सर्किट दिया होगा उसको हमको क्या बनाना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये दो काम हमको यहाँ पर करने हैं। तो आप इस चैप्टर को, इस जो लेक्चर है उसको एक बार और सुनिए, दोबारा सुनिए, ताकि आपको जो नोटेशंस हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो अच्छे से क्लियर हो जाएं। और अगली क्लास में हम ये कोशिश करेंगे कि इसके कुछ सवाल बना के देखें। तब तक के कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रीडिंग। थैंक यू।